चलिए दोस्तों, आज बताता हूँ कि अगर जैसे डॉक्टर यहाँ पर लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट नेम को इसमें, मिडिल नेम को इसमें, लास्ट नेम के इसमें। एक और वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें अलग बताया था एक फार्मूला लगा के, लेकिन आज मैं बताऊँगा कैसे एक सिर्फ एक सिलेक्शन से कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए होम में है, होम में आपसे आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में डेटा, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है, जिसको करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, देखिए ये रिमूव डुप्लीकेट के बगल में टेक्स्ट टू कॉलम, इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, डिलिमिटेड और एक फिक्स्ड। जैसे कुछ चीज़, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, पहले एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। पहला डिलिमिटेड को बहुत ही फास्टली बताऊँगा कैसे करना है, क्या है। तो सबसे पहले मैं डिलिमिटेड को कर लेता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये देखिए अब नेक्स्ट करने के बाद क्या, डॉक्टर और जो फर्स्ट जो क्या, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया डिलिमिटेड को करें तो यहाँ पर तीन ऑप्शन, टैब, सेमी कॉलोन, कॉमा, स्पेस इन अदर। तो मेरे पास क्या है, अभी इसमें डॉक्टर के बाद स्पेस है, फिर मनमोहन, मनमोहन के बाद स्पेस है, फिर सिंह, ऐसे करके। तो मैं क्या करूँगा, स्पेस वाले को लूँगा। तो स्पेस में लूँगा तो जितना भी स्पेस होगा वो अलग अलग कॉलम में हो जाएगा, जैसे भी जितना भी रहेगा वो इतना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कुछ होगा तो उसमें भी हो जाए। तो अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए अलग अलग हो गया, डॉक्टर अलग जो फर्स्ट स्पेस के वाले, उसके बाद फिनिश कर दूँगा, उसके बाद यस कर दूँगा। ये देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सैफ अली खान, मतलब अलग अलग हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों स्पेस के लिए। अब मैं तो कुछ स्पेशल करेक्टर हो, जैसे पर आप आपके स्लैश लगा हो या कुछ और स्पेशल करेक्टर लगा हो तो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए डॉक्टर के पास स्लैश, फिर मनमोहन सिंह के पास स्लैश, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, टेक्स्ट कॉलम में डिलिमिटेड ऑप्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ना तो स्पेस है ना तो कॉमा है, कॉमा रहता तो कॉमा करते हैं, सेमी कॉलन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो अदर में जाएंगे। अदर में क्या करेंगे, हमारे पास स्लैश है, स्लैश में जहाँ जहाँ स्लैश लगा उसके बाद वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर अब क्या है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, फिर क्या करने, फिनिश कर देंगे, अब ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ भी सेम वही चीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे मैं बता देता हूँ, थर्ड में जाएंगे, थर्ड यहाँ पर थर्ड में जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ इसको बता देता हूँ एग्जांपल से, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। अब आपको क्या करना है, फिक्स्ड विड्थ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ डेटा सेम चल रहा हो, एक सीरीज में चल रहा हो, सेम हो। जैसे यहाँ पर लिखा है LED TV 24:25, LCD TV 24:26, मतलब ये LED तीन ठो है, तीन अलग करना है, उसके बाद हमको TV का अलग करना है, फिर 24 कोई फिक्स हो वहाँ पर, हमको ये फिक्स्ड लिमिट को करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कर दिया, ओके कर दिया, उसके बाद क्या है, ऑप्शन देगा आपको। अब आपको क्या करना है, अपने मैनुअली करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मैनुअली यहाँ पर करके आपको जैसे जहाँ पर लगाना है उस वहाँ पर एक एरो को लगा देंगे, तो यहाँ पर लग गया। और क्या करेंगे, ये देखिए TV के बाद लगाना है, तो TV के बाद मैनुअली करना है ये चीज़ें, मैनुअली आपको कहाँ फिल्टर करना है, लेकिन एक लिमिट चल रहा हो, फिक्स चल रहा हो, वहाँ पर करना है। फिर ये देखिए अब हो गया, अब यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा, फिर फिनिश, फिर ओके। ये देखिए सॉरी, हम यहाँ पर गलत कर दिए थे, क्योंकि तीन डिजिट लेना है, तो मैं सिर्फ फिर से बैक कर लेता हूँ और इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट कॉलम, अब क्या करूँगा, फिक्स्ड विड्थ, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा LED, TV, इसको ओके कर दिया, फिर फिनिश कर दिया, ओके। ये देखिए LED TV 24:25 मॉडल, LCD TV 24:25, जो भी है, मतलब आप एक लिमिट को इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं, अब कहीं कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों व्यू तो बहुत होता पर लाइक कोई नहीं करता, तो प्लीज़ लाइक करेंगे तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा कि वीडियो मेरा लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।